है निजस आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द निंजा लास्ट नाइट और हमको बोलता है कि सर uh, लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है हम बहुत ज़्यादा अपसेट है पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है क्या करेगा बोल के सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आप हमको मैसेज भेजा आई नो यू वाचिंग दिस वीडियो सो देखो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता है बोल के आई ऑल्सो गो थ्रू दिस ऑलमोस्ट एवरी रोज होता है फैमिली प्रॉब्लम काम का टेंशन कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज होता है रिलेशनशिप इश्यूज होता है कोई भी बीमारी हो जाता है सो वी ऑल हैव दिस प्रॉब्लम्स, वी आर ह्यूमन राइट सो ह्यूमन है तो ये सब प्रॉब्लम होगा ही होगा राइट right? सो so जब हम लोगों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है सो so दो चीज़ हो सकता है ठीक है एक चीज़ ये कि ये डिप्रेशन में आके हम लोग खुद को ख़त्म कर देना ठीक है या तो दूसरा चीज़ ये कि आप आ, इसको क्रिएटिवली आप कैसे सोच के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आप अपना लाइफ का नेक्स्ट स्टेज में कैसे जा सकता है इट्स ऑल अबाउट यू नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ओके सो देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन है हम लोग जा रहा है हम लोग रास्ता में जा रहा है और रास्ता ब्लॉक है तो क्या करेगा वापस आ जाएगा नहीं अगर आपको पता है कि आपको वहाँ पे जाना है चाहे वो रास्ता ब्लॉक हो Uh, या नहीं हो आप जैसे भी जाएगा चाहे आप वो जो ब्लॉकेज है उसको आप जंप करके जाएगा या तो साइड से कोई दूसरा गली लेके होने से भी आप अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा राइट तो ऐसा सिचुएशन में नॉर्मली हम क्या करता है बोलने से हमेशा uh, दो क्वेश्चन पूछता है दिस इज़ व्हाट आई डू दिस इज हाउ आई टैकल द प्रॉब्लम्स नंबर वन कि इसको हम कैसे सॉल्व करेगा ठीक है um, दूसरा कि क्यों हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है या तो ये जो डिप्रेशन है या तो जो टेंशन है इसको हम कैसे क्यों सॉल्व करना है देयर हैज़ टू बी अ पर्पस राइट देखिए ये यूनिवर्स का बहुत ही एक अच्छा तरीका है इंसान को क्रिएटिव बनाने का अगर हम लोग गिव अप करके वहाँ पे बैठ जाएगा तो फिर हम लोग क्रिएटिव नहीं होगा हम लोग अपना कम्फर्ट जोन में रहेगा तो अगर कम्फर्ट जोन में रहेगा तो फिर हम लोग कैसे हम लोग नेक्स्ट लेवल में कैसे जाएगा अपना क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जाएगा हाउ आर वी गोइंग टू बी प्रोडक्टिव जो अनटच्ड जो आपका अंदर का जो पावर है अनटैप्ड पावर उसको आप कैसे बाहर निकालेगा सो इट मैटर्स राइट सो उसके बाद में व्हाट आई डू इज़ सबसे पहले uh, हम क्या करता है बोलने से अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाने से हम अपना माइंडसेट uh, को थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई करता है तो इसलिए हम क्या करता है एवरी uh, सैटरडे को राइट सुपर माइंड क्लास करा देता है इससे ये होता है कि सुपर माइंड क्लास में जाने के लिए खुद को भी हम पूरा सा पॉजिटिव करना होता है आई हैव टू री एनर्जाइज माई सेल्फ जितना भी नेगेटिविटी है उसको हटाना होता है सो दिस इज हाउ आई हील माई सेल्फ या द फर्स्ट थिंग दैट आई डू एंड सेकेंड थिंग इज राइट जो मेरा गोल कार्ड है उसको हम अपने पास में हमेशा रखता है यू ऑलवेज नीड टू हैव अ गोल कार्ड सो गोल कार्ड इज़ द रीजन वाई यू वॉन्ट टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल आप वो प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करने uh, करना चाहेगा राइट बिकॉज यू हैव अ पर्पज आपका स्पेसिफिक एक गोल है तो आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए वो गोल कार्ड आप के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसा होगा जो आपको थ्रू आउट द वे आपको गाइड करेगा ठीक है और तीसरा जो थर्ड थिंग डेट यू कैन डू इज राइट आप जो प्रॉब्लम्स है जो आपके लाइफ में हो रहा है उसको आप लिखना शुरू करो ठीक है और उसको एक एक साइड से आप उसको सॉल्व करना शुरू करो ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रॉब्लम है बोल के आप डिप्रेशन में आ जाओ बोल के राइट सो प्लीज ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इट गोस राइट गुड लक